नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में बदला मौसम, शिमला में छाए बादल, प्रदेश में बारिश की संभावना, गर्मी से मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। प्रदेश की राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों लाहौल स्पीति, किन्नौर, ऊपरी शिमला में आज रात से गर्ज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 13 और 14 अप्रैल को राज्य के बाकी हिस्सों में भी बारिश शुरू होने की संभावना है। इससे राज्य में अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी की लहर से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। 16 अप्रैल तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। इस दौरान कई क्षेत्रों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। सैलानियों को झटका, हिमाचल में पर्यटन निगम के होटलों में ठहरना और खाना महंगा। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल से शुरू हो रहे समर सीजन से पहले पर्यटकों को झटका दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPDTC के होटलों में ठहरना और खाना महंगा कर दिया गया है। सामान्य का 300 डिलक्स कमरों का किराया 400 रुपये तक बढ़ाया गया है। नई दरें 15 अप्रैल से लागू की जाएंगी। वर्तमान में मैदानी इलाकों में HPDTC के होटलों में सामान्य कमरे का रेट 2000 रुपये से बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति रात्रि कर दिया गया है। डीलक्स कमरा जो पहले 2500 रुपये में मिलता था, अब इसके लिए 2900 रुपये चुकाने पड़ेंगे। बिजली बोर्ड के 4 SC, 7 एक्सिन, 23 SDO को कान बताओ नोटिस। उपभोक्ताओं को हर माह बिजली बिल न देने पर बोर्ड प्रबंधन ने 4 अधीक्षण अभियंताओं, 7 अधिशासी अभियंताओं और 23 सहायक अभियंताओं को कान बताओ नोटिस जारी किए हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग की सख्ती के बाद बोर्ड प्रबंधन ने यह कार्रवाई की है। प्रदेश के कई उपमंडलों में बिजली बोर्ड 2 माह बाद उपभोक्ताओं को बिल जारी करता है। कई क्षेत्रों में बोर्ड के कर्मी बिजली बिल देते हैं तो कई क्षेत्रों में यह काम ठेके पर दिया गया है। वहीं आयोग ने बोर्ड प्रबंधन को हर माह बिजली जारी करने के निर्देश दिए हैं। मार्च 2022 तक की व्यवस्था को देखते हुए बोर्ड प्रबंधन ने ऐसे क्षेत्रों के अधिकारियों को कान बताओ नोटिस जारी किए हैं जहां 2 माह बाद बिजली बिल दिए गए हैं। अधिकारियों से जवाब मिलने के बाद प्रबंधन आगामी कार्रवाई करेगा। JP नड्डा बोले, कार्यकर्ताओं का जोश दे रहा मिशन रिपीट की गवाही। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं का जोश प्रदेश में भाजपा सरकार के मिशन रिपीट की गवाही दे रहा है। पिछले कल देर शाम घुमारवी में भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के विकास के लिए भाजपा जरूरी है। पहले विकास के कार्यों के लिए हजारों रुपए मिलते थे, लेकिन अब करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सभी वर्गों का एक समान विकास ही सरकार के मिशन रिपीट का आधार बनेगा। नड्डा ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मौसम की बेरुखी, हिमाचल प्रदेश में 401 पेयजल योजनाओं पर सूखे की मार। लंबे समय से बारिश न होने के कारण हिमाचल प्रदेश की 401 छोटी बड़ी पेयजल योजनाओं पर सूखे की मार पड़ी है। अभी तक इन परियोजनाओं की स्थिति सामान्य थी। सीजन में पहली बार जल संकट सामने आया है। सरकार के पास पहुंची रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में इन पेयजल योजनाओं का जल 25% तक घट गया है। मौसम की बेरुखी कुछ और दिन ऐसे ही रही तो अन्य पेयजल योजनाओं पर भी सूखे की मार पड़ेगी। वहीं प्रदेश में पिछले करीब 2 माह से बारिश न होने के कारण और ज्यादा जल संकट गहराएगा। नई आबकारी नीति, हिमाचल में 5 से 55 रुपए तक महंगी हुई अंग्रेजी शराब। हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी शराब 5 से 55 रुपए तक महंगी हो गई है। नई आबकारी नीति के तहत 4% नवीनीकरण फीस बढ़ने से दामों में बढ़ोतरी हुई है। शराब की दुकानों में तय दामों से अधिक वसूली पर ग्राहक अधिकारियों से शिकायत भी कर सकते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान 2131 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है, जो वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में प्रति इकाई 4% नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों का नवीनीकरण किया गया है।
हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड लीड पैड के लिए मिलेगी 1 माह की निशुल्क कोचिंग। 2 साल बाद हो रहे लीट और पैट के लिए अभ्यर्थियों को निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। अभ्यर्थियों को इसके लिए 16 अप्रैल तक पंजीकरण करवाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए सभी राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में व्यवस्था की है। पंजीकरण के बाद अभ्यर्थियों को अपने जिले के नजदीकी संस्थान में 1 माह की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। हर रोज 2 घंटे की कोचिंग दी जाएगी। पंजीकरण के लिए अभ्यर्थी को नजदीक के बहुतकनीकी संस्थान में जाकर एप्लीकेशन देनी होगी। इसके बाद अभ्यर्थी का पंजीकरण हो जाएगा। पीजी प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल तय, 1 मई तक कर सकेंगे आवेदन। पीजी के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU ने प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 1 मई तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई है। पीजी डिग्री कोर्स की सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए विश्वविद्यालय 17 से 31 मई तक प्रवेश परीक्षा करवाएगा। हिमाचल के स्कूलों, पंचायतों और अस्पतालों में मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के अलावा पंचायतें और अस्पताल भी वाईफाई सुविधा से जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका खर्च भी ना तो जिला प्रशासन और ना ही प्रदेश सरकार को उठाना पड़ेगा, बल्कि यह सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। यह बात सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने आज केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव से मुलाकात के बाद कही। वहीं दिल्ली दौरे पर गए डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने केंद्रीय रेल, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव से मुलाकात की। रामलाल मारकंडे ने लाहौल स्पीति के बचे हुए गांव जहां 4G नेटवर्क की सुविधा नहीं है, वहां जियो और एयरटेल के 4G नेटवर्क के कार्य को जल्द शुरू करने की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने इन मांगों को स्वीकारते हुए 4G नेटवर्क के कार्य को जल्द शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 IAS और 8 HS अफसरों का तबादला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 IAS अधिकारियों व 8 HS अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव सुभाष आशीष पंडा अब स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। उन्हें कर एवं आबकारी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी दिया गया है। वहीं इसके अलावा अमिताभ अवस्थी से उक्त विभाग लेकर बागवानी के साथ तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। प्रधान सचिव शिक्षा डॉक्टर रजनीश से तकनीकी शिक्षा विभाग लेकर वन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। होमगार्ड के लिए बनाई जाए स्थायी नीतियां और वेतन। पुलिस विभाग के साथ होमगार्ड कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हर जगह इनकी तैनाती भी की जाती है। इस पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया अध्यक्ष और प्रवक्ता अभिषेक राणा ने बताया कि जयराम सरकार में होमगार्डों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। चाहे पुलिस के साथ समन्वय मिलाकर कार्य करने की बात हो या फिर किसी भी विकट स्थिति में जरूरत पड़े तो होमगार्ड समय पर पहुंच जाते हैं और हर तरह की परिस्थिति को संभालते भी है। इसके अलावा राणा ने कहा कि पुलिस कर्मियों को स्थायी वेतन मिलता है, जबकि विभिन्न तरह की सरकारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन उसके बिल्कुल उल्ट होमगार्ड जवानों को समान वेतन नहीं है, न ही इनके लिए कोई स्थायी नीति बनाई गई है। अभिषेक राणा ने कहा कि जयराम सरकार को चाहिए कि इन जवानों के लिए स्थायी नीति तैयार करे और उन्हें सुविधाएं प्रदान करे, क्योंकि यह जवान पुलिस की तरह ही दिन रात कार्य करते हैं। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।